ये शख्स कौन है, इसने ये सब कुछ क्यों किया, क्या ये अपनी जिंदगी से इतना ही तंग आ चुका है, क्या ये घर में अकेला है और इसके आगे पीछे कोई नहीं, आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या है जो इसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करेंगे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। क्या बना, आज रिपोर्ट्स मिलनी थी ना? हाँ यार मिल गई है, सब कुछ ठीक है। क्या मतलब सब कुछ ठीक है, ये कैसे हो सकता है? बस यार मेरी समझ से बाहर है कि सब कुछ क्या है। ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ ठीक हो, तुम कोई दम वगैरह कराओ सब ठीक हो जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ यार, जिसने जो जगह बताई वहां पहुंचा हूं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मायूस क्यों होते मेरे दोस्त, तुम किसी नेक बंदे से दुआ कराओ, डूबती कश्ती किनारे लग जाती है। यार खालिद अगर तुम्हारी नजर में कोई बंदा है तो मुझे बताओ, मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे कोई इनकार नहीं। चल मैं एक दो दिन में तुझे किसी से पूछ के बताता हूँ। शादी को 7 साल हो गए, पता होता ये रोग लगना है तो शादी ना करता, अकेला ही ठीक था। ओ यार किस मर्ज की दवा नहीं और किस मर्ज का इलाज नहीं है दुनिया में। यार अपनी हैसियत के मुताबिक ही पैसे खर्च कर सकता हूँ ना, और क्या करूं मैं। चल कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा। मैंने कहा ना मैं पता करता हूँ, वहां चले जाना, मसला हल हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, ये मेरा बेटा वलीद है, बहुत ही ताबेदार है मेरा। जो मेरी बेटी नहीं है ना, ये उससे छोटा है। वो तो अपने घर की हो गई, मैं ना अब इसके लिए लड़की देख रही हूँ कोई। जी अम्मा अब बताएं कौन कौन से टेस्ट करने हैं। ये पर्ची दिखाओ। दिखाना ये ना इसने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था, ये उसने लिख के दिए। जी अम्मा ये 3 टेस्ट तो यहाँ से हो जाएंगे, एक टेस्ट जो है ना ये आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो इधर से हो सकते हैं वो तो करा दो। ठीक है अम्मा मैं अभी इनका सैंपल ले लेता हूँ। क्या हुआ, आप परेशान हैं क्या, फिर किसी ने कोई बात कही क्या? क्या कहेगा कोई, सब एक ही बात पूछती हैं। कौन सी बात, अब नया कौन सा मसला शुरू कर लिया? नया नहीं वही पुराना, रिपोर्ट आ गई है डॉक्टर के पास से। रिपोर्ट्स आ गई, क्या कहा डॉक्टर ने, खुदा ना करे कोई मसला तो नहीं ना? कहता है सब कुछ ठीक है लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हुआ क्या है, मसला क्या है। देखें कमर ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है, होगा तो वही जो खुदा चाहेगा। देखो नाहिद मैं बहुत टेंशन में हूं, अब एहसास होता है कि तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या बात कही आपने, इसमें मेरा क्या कसूर है, ये सब कुछ क्या मेरी वजह से हुआ?
देखो ना हीत, मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूं, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, जाओ जाकर सो जाओ। दोनों मियां बीवी की बातों से लगता है कि यह घर शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है, मगर इसकी वजह क्या है? क्या दोनों में से कोई किसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज या तो बहुत महंगा है या फिर शायद फिल वक्त मुमकिन नहीं। लेकिन कोई भी बीमारी हो या फिर जिंदगी के नशेबो फराज, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका हल या इलाज मुमकिन ना हो। तो फिर आखिर परेशानी क्या है? कमर बेटा, अरे कहाँ रह गया तू? आ गया अम्मा, आ गया। गरम गरम चाय बनाइए। हाय हाय, क्या जमाना आ गया है, बीवी के होते हुए मेरे बच्चे को काम करना पड़ रहा है। ये भी तो जिंदगी का हिस्सा है अम्मा, और आपका जमाना और था, अब ये जमाना और है। वो जमाना बहुत अच्छा था कमर बेटा, दो दो तीन तीन साल गुजर जाते थे, मैं कहनी जाती थी मैं। अब कोई शोहर रोक कर तो देखे अपनी बीवी को, ऐसा तमाशा लगेगा कि अल्लाह माफ करे, है ना अम्मा? कमर, एक बात करनी सी तुमसे, इसलिए कि नाहिद घर पे नहीं है। बताए अम्मा, अगर नाहिद घर पे होती भी तो मेरी माँ को कोई बात करने से रोक सकता है? मैं सदके जाऊँ मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद भी नहीं बदला मेरा बेटा, वरना मैं तो जिंदा ही दरगोर होती। आपका बेटा हूँ माँ, बीवियां तो मिल जाती हैं मगर माँ नहीं मिलती। कुछ सोच के तुम्हारी शादी की थी वो पूरा नहीं हुआ, मेरी बात को समझ रहे हो ना बेटा? हाँ माँ, समझ गया हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुझे तो इल्जाम नहीं दे रही बेटा, वही मनहूस है जिसे ब्याह कर लाई। उसका भी कसूर नहीं है अम्मा, ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे नवाज दे। तू तो यही कहेगा ना बेटा, बीवी है तुम्हारी, उसे इल्जाम थोड़ी देगा। अरे अम्मा, तू मेरी माँ है, ऐसी बातें ना किया कर, बस दुआ किया कर हमारे। तो और क्या, बस दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए, क्या कह रहा माँ को पता है तुझे? अम्मा अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हो। हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। नो माँ, पेन पे जो रखा तुझे। अम्मा मैंने ये नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप गलत समझ रही हो। ठीक है, बस मैं जा रही हूँ, दोबारा तेरे घर में कदम नहीं रखूंगी मैं। अम्मा मेरी बात तो सुनो अम्मा, जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? एक तो ये वलीद पता नहीं ना कहाँ पे रह गया है, आ जाता तो मुझे घर ही छोड़ देता। आ जाएगा बेटा, अस्पताल में उसे काम ही इतना ज्यादा होता है, वहीं भी उसे देर हो जाती है। पर अम्मी जान, बातें तो मुझे सुनने को मिलती हैं ना रोज रोज सास से और कमर से, मैं क्या करूं? मैं क्या बता सकती हूँ बेटा, ये बात ना तुम्हारे बस में है और ना मेरे बस में। अम्मी जान, आपको नहीं पता आजकल ना वो किसी ना किसी बहाने से मुझसे लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। क्यों बेटा, आएगा तो मैं समझाऊंगी उसे, शायद मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। नहीं अम्मी, आप उनसे कोई भी बात नहीं करने वाली, आप नहीं जानती आजकल उनका दिमाग खराब हुआ हुआ है, वो किसी ना किसी बात से आपसे बदतमीजी करना शुरू हो जाएंगे। क्यों भाई, मैं उसकी माँ की जगह हूँ, क्यों करेगा वो मुझसे बदतमीजी? अम्मी आप नहीं जानती, वो आजकल मुझ पे हाथ उठाना शुरू हो गए हैं, और वो भी बिला वजह। एक मर्तबा पूछ लो उससे क्या इरादा है उसका, तुम्हें रखना चाहता है कि नहीं? अम्मी आप कहती तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं खुद भी ना ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने कहा ना पूछ लो उससे, नहीं रख सकता ना तो आ जाओ मेरे पास, दो रोटियां तो तुम्हें खिला ही सकते हैं ना। ठीक है अम्मी जान, मैं जाकर कमर का रवैया देखूंगी, अगर तो ठीक नहीं हुआ तो वलीद को फोन करूंगी, प्लीज आप वलीद से कहिएगा कि आके मुझे ले जाए। ठीक है बेटा, तुम फोन कर देना, मैं फौरन वलीद को भेज दूंगी। जी ठीक है अम्मी जान। लगता है वलीद आ गया। ठीक है अम्मी जान, आप मुझे इजाजत दें। ठीक है मैं चलती हूँ। जाओ मेरी जान। ओके, ख्याल रखिएगा अम्मी अपना, फोन कर देना फिर मुझे।
लेते, आ रही हूँ, कह तो रही हूँ कि आ रही हूँ। मैं मर गई, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हो गया? संभालो अपनी बेटी को। क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं नहीं रख सकता इसे, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं है। बेटा क्यों? पहले इसका इलाज करवाओ, ठीक हो जाए तो भिजवा देना, वरना मर जाए मेरी बला से। संभालो इसे। ऐसा ना कहो मेरा बेटा, क्या हुआ मेरी जान को? किसके साथ आई हो? अपने भाई के साथ, और किसके साथ? मुझे क्या पता, तुम्हारा भाई नजर तो नहीं आया बाहर मुझे, हो सकता है कोई और छोड़ गया हो। क्या फजूल बातें कर रहे हैं, समझ क्या रखा है मुझे? समझ नहीं रखा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। वलीद के साथ आई हो तो वो अंदर क्यों नहीं आया? थका हुआ था, जल्दी में छोड़कर बाहर से चला गया मुझे, बुराई क्या है इसमें? देखो नाहिद, इस तरह तुम मुझे नहीं खुद को धोखा दे रही हो। क्या धोखा दिया है मैंने आपको? एक बात तो बताएं, आज आपकी अम्मा यहाँ पर आई थी या आप गए थे? खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, जान से मार दूंगा, समझी? क्या इस घर में होने वाली मियां बीवी की लड़ाई के पीछे असल वजह औलाद का ना होना है? अगर यही इस लड़ाई की बुनियादी वजह है तो फिर कसूर किसका है, शौहर का या फिर बीवी का? हालांकि दोनों ही इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि यह घर नए मेहमान से सज जाए, मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये बात इन दोनों के इख्तियार में है या फिर इंसान की जिंदगी और मौत के मालिक रब के इख्तियार में? मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमारे घर में औलाद नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात भी करते हुए। रिपोर्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर और क्या बात हो सकती है? आज आपने इंतहा कर दी, और कितना बर्दाश्त करूं मैं, किससे जाके फरियाद करूं? अपने होतों सोतों से जाकर फरियाद करो, वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपने होतों के पास। नाहिद, नाहिद मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो नाहिद। नाहिद तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ये मेरी बात सुनो नाहिद। अम्मा ला दें खाना। गरम तो करके लाना था ना, कमर घर पे ही था, कुछ कह तो नहीं रहा था? पता नहीं अम्मा, मैं तो बाहर से छोड़ के आ गया था। ओहो, कुछ देर तो रुक जाते, पता नहीं क्या कह रहा होगा मेरी बेटी को। क्या कह सकता है अम्मा, वो सही करेगा ना, जान से थोड़ी मार देगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन तो तंग होगी ना, पता नहीं क्या इल्जाम लगा दे। क्या इल्जाम लगाएगा? यही कि किसके साथ था यो, कौन छोड़कर गया? अम्मा अगर वो इतनी घटिया इंसान है ना, तो उसे कोई ये बात करने से रोक नहीं सकता। तुम समझते क्यों नहीं, हम बेटी वाले हैं बेटा, हमें डर लगता है, उसका क्या जाना है कुछ कहने में। मैं बाहर देखता हूँ अम्मा। मैं देखती हूँ। अम्मा बैठे, मैं देखता हूँ। रोटी भी नहीं खाने देते, कोई ना कोई आएगा। अभी क्या हुआ है, क्या हुआ है, अभी रो क्यों रही हो? और चुप तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को? सती हो ओए, मेरा दिल पहले कह रहा था आज कुछ बुरा होने वाला है, मेरा दिल पहले ही कह रहा था। ओए पानी पी मेरा बेटा।
मैं जाऊं अपी, एक मिनट में सीधा कर दूंगा उस घटिया इंसान को। नहीं नहीं वलीद, तुम नहीं जाओगे, जरूर उनकी अम्मी ने उनके कान भरे होंगे। हाँ मुझे पहले पता है, उसने कहा मैं तेरी दूसरी शादी करती हूँ, इसीलिए उसका दिमाग खराब हुआ है। जाए मरे करवा ले दूसरी शादी, मैं नहीं भेज रहा अपनी बहन को दोबारा उसके पास। हाँ हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को, यही रखूंगी, यही कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची को, मैं अपने पास रखूंगी, अब नहीं भेजना इसे। चुप कर जाओ आप भी, चुप कर जाओ, उसे तो मैं देख लूंगा। अम्मा आप संभाले आपी को। अच्छा ठीक है बेटा। एक तो औलाद ना होने की रंजिश, दूसरा एक मोहब्बत करने वाली बीवी पर लगाया जाने वाला इतना संगीन इल्जाम, क्या यही इस घर के मकीनों को अलग करने की वजह बनी? 7 साल पहले होने वाली इस शादी का अंजाम क्या होने वाला है? कौन इन दोनों के दिलों में नफरत की आग भड़का रहा है? कौन बसना नहीं चाहता और कौन है जो इन दोनों को बसते हुए देखना नहीं चाहता? माँ हूं ना, सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ, सब कुछ भुला के चली आई बेटे के दरवाजे पे। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, ये दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। वैसे बेटा अच्छा ही हुआ वो छोड़ के चली गई खुद ही, कोई नेकी काम आ गई हमारे। ठीक कहती हो अम्मा, मगर क्या करूं अम्मा, 7 साल गुजारे हैं उसके साथ। मुझे भी तो देखो, भरी जवानी में तेरा बाप छोड़ गया, मैं जिंदा हूँ ना। इतना अरसा तो जानवर भी साथ रहे तो उससे भी प्यार हो जाता है, तुम्हारा मुकाबला तो नहीं कर सकते अम्मा। दिल पे पत्थर रख ले बेटा, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी, हजारों लड़कियां हैं तुम्हारे लिए। मुझे हजारों लड़कियां नहीं चाहिए अम्मा, उसके जाने से लगता है अकेला हो गया हूँ। अच्छा उसके बगैर अकेला हो गया, कभी माँ के बगैर भी अकेला हुआ है तू? बीवी रात को गई है तो तू अकेला हो गया है। बीवी की अपनी जगह है और माँ की अपनी, दोनों का मुकाम अलग अलग है, दोनों को आपस में मिला नहीं सकते। चल दफा कर कमर, छोड़ उसे, सोच सोच के तो बीमार हो जाएगा, उसका क्या जाएगा? अम्मा वो भी उधर खुश नहीं होगी, इस बात का मुझे पता है। चल छोड़, ये बता तूने कुछ खाया भी है कि नहीं? भूख नहीं है अम्मा, सीने पर बोझ सा है, लगता है दिल बंद हो जाएगा। बेटा ऐसा कर तू आराम कर, मैं फिर आ जाऊँ, तब तक तू ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा, आप ले आ जाए। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, जाना है तो अभी चल मेरे साथ। दफ्तर जाना है अम्मा, बहुत काम है और आज ही खत्म करना है। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, एक बात मेरी गौर से सुन ले, अब वो बला दोबारा इस घर में ना आए। अम्मा जल्दी आ जाओ, देर हो गई है, मेरी क्लास हो जानी है। आ रही हूँ बेटा, शाबाश, चलो आप मोटरसाइकिल निकालो मैं आती हूँ, चलो शाबाश। आ जाए। आ रही हूँ। अम्मा जी, अम्मा कितने बजे तक वापिस आएंगी? बेटा ड्यूटी खत्म होते ही आ जाऊंगी मलीद के साथ, दुआ करना मलीद का काम जल्दी खत्म हो जाए, अगर अकेले घर में डर लग रहा है ना तो मेरे साथ चली चलो, उधर बैठ जाना स्टाफ रूम में। हा? नहीं अम्मा आप ही जाओ, मैं तब तक घर के कामकाज खत्म कर लूंगी। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अच्छा अम्मा वो तो ठीक है, पर आप जल्दी आना। जल्दी आ जाऊंगी बेटा, दरवाजा बंद कर लो अच्छी तरह, ख्याल से जाना। नाहिद को अपने मेके में किस चीज का खौफ था? कहीं ये खौफ महज उसके औरत होने की वजह से तो नहीं था? लेकिन एक बात तय है, नाहिद अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, क्यों ना हो, उसने शौहर के साथ 7 साल का अरसा गुजारा था और उन बीते हुए दिनों की याद दोनों के दिलों और दिमागों पर छाई हुई थी। शायद अब ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्या हुआ है तुझे यार खालिद?
मेरी तरफ कंपनी के कुछ बकाया जात हैं, मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे हवाले कर दूँ। क्या मतलब, क्या हुआ है तुझे? आंखों से लग रहा है सारी रात नहीं सोया तुम। बस यार बहुत थक गया हूँ मैं, अब एक ही मर्तबा सोऊंगा, कभी ना उठने के लिए। ऐसा क्या हो गया मेरे दोस्त, भाभी ने कुछ कहा है या माँ की ममता ने बेबस कर दिया? नहीं यार, ना किसी ने बेबस किया है और ना किसी ने कुछ कहा है। अपनी जिंदगी में शायद दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वही मायूसी की बात है, कितना समझाऊं तुम्हें, मर्द हो, मर्दों की तरह जिंदगी गुजारो। क्या ख्याल है? चाबियां रख लो, डॉक्यूमेंट्स कपट में पड़े हैं, ले लेना। मैं क्या करूंगा इनका? हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। फिर वही बात, तुम कहाँ जा रहे हो, छुट्टियां करने का इरादा है क्या? हाँ ऐसे ही समझ लो, लॉन्ग लीव पर जा रहा हूँ। हो सकता है वापस आ जाऊं, हो सकता है ना। तुम बाज नहीं आओगे, मैं चक्कर लगाता हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है आ जाना, लेकिन हो सकता है हमारी मुलाकात ना हो सके। वो क्यों, कहीं शहर से बाहर जा रहे हो क्या? ऐसे कुछ समझ लो, लगता है भाभी के साथ लंबे ट्रिप का प्रोग्राम बना लिया, यही चक्कर है ना। हाँ यार तुम्हें तो पता है कि मैं उसके बगैर और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। हाँ पता है। आ गई, ये लो खाना खाओ गर्मा गर्म, वो भी मैंने आज अपने हाथ से बनाया है। मेरे बाद में कोई आया तो नहीं था? लो कौन आएगा अम्मा, और वैसे अब कोई आ भी गया ना मैं नहीं जाने वाली। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं पानी लेके आई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तू बाद में डर रही थी ना घर में अकेली। लो माँ बाप के साथ तो औलाद शेर होती है, मैं तो बस डर गई थी आप जा रही थी ना इसलिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मुझे शेर बन के दिखाना। अच्छा अम्मा वलीद कहाँ है, वो नहीं आया आपके साथ? आया था बेटा, मुझे छोड़ के गया है, कह रहा था मैं दोस्त के पास काम से जा रहा हूँ अभी आता हूँ। अच्छा देखो वलीद का नाम लिया और वो आ गया, जाओ मेरा बेटा। वलीद का नहीं शैतान का। रुको मैं देखती हूँ। देखो मेरा बेटा, we'll be right back.
नाहिद पर गोलियां किसने चलाई, उसे अपने इंतकाम का निशाना किसने बनाया, ये बात ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकेगी। मगर यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या गोलियां लगने के बाद नाहिद बच सकेगी, क्या वो पुलिस को बयान देने के काबिल हो सकेगी, क्या नाहिद के कातिलों का पता चलेगा, या फिर ये केस भी हर दूसरे केस की तरह सर्द खाने में डाल दिया जाएगा। अरे खालिक बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर खड़े हो, कमर कहाँ है? आंटी लगता तो अंदर ही है, बाइक भी खड़ी है, दरवाजा भी खुला है, बाहर नहीं आ रहा। कहाँ चला गया? मैं देखती हूँ। काफी हो चुकी है, इसलिए जल्दी से अरेंज कर लें। डॉक्टर साहब, मेरा और आपकी का ब्लड ग्रुप एक ही है, मैं ब्लीड करवा लेता हूँ। तो बस देर न करें, दूसरा पुलिस को फोन कर दें, क्योंकि ये पुलिस केस है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं भी कर दूँ। मम्मी मैं भी आता हूँ। मेरी बच्ची पढ़ तो जाएगी ना? मासी दुआ करें, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। आप भरोसा रखें, बचा लेते आप भरोसा रखें मासी, आप भरोसा रखें, अल्लाह खैर करेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये रुका ये बेटा बड़ा है। मैं कमर होशो हवास में अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था। केस तो जी इधर ही हल हो गया है, अब तो हमें सिर्फ यह पता करना है कि इसकी बीवी भी जिंदा बची है या वो भी जान से चली गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भाभी के घर का पता है, अगर आप कहें तो मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ। वो भी नहीं बची होगी। अच्छा किया मेरे बेटे ने उसको मार दिया, और इतना ही थी वो डैन थी, डैन सूखा दरख्त थी वो। खाला जी ऐसे तो ना कहें, कुछ भी था आपकी बहू थी वो। कोई रिश्ता नहीं था उसका हमारे साथ, अगर वो बच जाती मैंने उसको मार देना था, मेरे बेटे को खा गई। सफदर, तुम बाड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, मैं इसकी बीवी का पता करता हूँ, ठीक है? ओके सर। आइए जी मैडम। माँ जी, बेटा क्या हुआ? अल्लाह ने करम कर दिया है, मुबारक हो, ऑपरेशन ठीक हो गया, हफ्ती की जा रहा है, खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है बेटा, मेरी बच्ची की जान बच गई। वैसे अम्मा, किसी ने देखा नहीं था, किसने फायर किया? नहीं बेटा, देखा तो किसी ने नहीं, पर मुझे शक है
कि ये काम ना कमर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे भी यही शक है अम्मा, हो ना हो ये उसी का काम है, उसका वो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। छोड़ो बेटा, ये सारा मामला मल्ला पे छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र है तुम्हारी बहन की जान तो बच गई ना। अस्सलाम वालेकुम। बैठ बैठ, कहाँ है ना ये बाबी? अंदर है आईसीयू में। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? बस अल्लाह ने बचा लिया है जी। आपको कैसे पता चला? हमें कमर की तरफ से पता चला है, शायद आपको मालूम ना हो भाभी पर गोलियां उसने चलाई थी। देखा बेटा, हमें पहले शक था ये कमर का ही काम हो सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो पकड़ा गया है कि नहीं अभी तक? वो जी दरअसल उसने अपनी बीवी को गोलियां मारने के बाद अपने घर जाके अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लिया है। क्या मतलब? आंटी कमर इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपनी तरफ से भाभी को गोलियां मारने के बाद अपनी जान का भी खात्मा कर लिया। इस केस में असल गुनहगार कौन है? कमर, जिसने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की, या फिर नाहिद, जिसने एक अरसे तक अपने शौहर से जहनी और जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त किया और फिर अपने मेके चली गई, या फिर कमर की मां, जिसने औलाद ना होने का जिम्मेदार नाहिद को ठहराया और अपने बेटे के इस कदर कान भरे कि वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गया, या फिर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है हमारा मौशरा और उसके समाजी रवैये, जो कमर जैसे ना जाने कितने लोगों को रोज जीने और रोज मरने पर मजबूर कर देते हैं। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/gunahgar-kaun। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।